रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला हुआ। दागिस्तान के ऑर्थोडॉक्स चर्च में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आतंकी हमले में चर्च के पादरी की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 16 लोगों की अभी तक मौत की खबर, 25 लोग घायल हो गए। तस्वीरें आप देखिए, लगातार आतंकवादियों के साथ बीते 9 घंटे से ऑपरेशन जारी है। रूस के दागिस्तान प्रांत के 2 शहरों में एक साथ इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। गोलियों की तड़फड़ाहट से रूस थर्रा उठा है। रूसी सुरक्षा गार्ड ने 6 आतंकवादियों का अभी तक मार गिराया है। दागिस्तान में 9 घंटे से ऑपरेशन जारी है। तो आप देखें, रूस में एक साथ कई जगहों पर हमला किया गया। दागिस्तान से एक और बड़ी खबर यह कि दागिस्तान के दूसरे इलाके में भी आतंकी हमला हुआ है। दागिस्तान में आतंकी ने खुद को उड़ाया। ये देखिए, सुसाइड बॉम्बर ये नजर आ रहा है। कार में बैठे सिडाइन हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। ब्लास्ट करके आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आप जरा मोटिव समझिए और जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया, आप जरा समझिए। रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। सिडाइन हमलावर भी था इन आतंकवादियों में। तो गोलियों की आवाज आपने सुनी, गोलियों की तड़तड़ाहट आपने सुनी। लगातार आतंकवादियों के साथ रूस में इस तरह से ऑपरेशन अभी जारी है। एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर, रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने दागिस्तान में एक साथ कई जगह पर हमला किया। आतंकवादियों ने 2 चर्च में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की है। चर्च के पादरी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। चर्च में तैनात सुरक्षा गार्ड को भी आतंकवादियों ने गोली मार दी। आतंकवादियों ने मक चकाला में पुलिस चौकी पर भी हमला किया। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, हमले में 15 पुलिस वालों की भी मौत हो गई है जो खबर आ रही है। तो ये बहुत बड़ा हमला, आप देखिए किस तरह से चर्च को निशाना बनाया गया। दागिस्तान में 2 चर्च को निशाना बनाया गया। पादरी की हत्या की गई है। कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। चर्च के पादरी की मौत, गला रेत कर पादरी की हत्या की गई। क्या ये हमला यूक्रेन ने करवाया है? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि रूस की तरफ से ये साफ कहा गया है कि कोई इंटरनेशनल टेरर आउटफिट है जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। तो ये बहुत गहरा सवाल है। 2 साल से ज्यादा यूक्रेन के साथ भीषण जंग चल रही है और उसके बाद शक यूक्रेन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझिए क्या होगा, क्या करेंगे व्लादिमीर पुतिन इस बड़े आतंकी, इस बड़े घाव के बाद।